नेक्स्ट ये कहता है 300 जूल वर्क डन इन स्लाइडिंग ए ब्लॉक 2 kg। चलो एक ब्लॉक है हम लोगों के पास जो ऑलरेडी जिसका मास 2 kg है, एक ब्लॉक यहां से चलता है और यहां आ जाता है, तो टोटल वर्क डन जो है वो 300 जूल हो जाता है। आ रहा बात समझ में? यहां से एक ब्लॉक चला और नीचे आ गया, तो टोटल वर्क डन 300 जूल हो गया और इस ब्लॉक का मास 2 kg था। अब इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट, हाइट ये 10 मीटर है, इंक्लाइंड प्लेन की हाइट 10 मीटर है। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जब ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, क्लियर है? नॉर्मल इधर लगेगा, एमजी नीचे लगेगी। क्या कभी नॉर्मल वर्क करेगा? नहीं, नॉर्मल का वर्क डन 0 है। तो कुल मिला के 3 फोर्स लग रहे हैं, तो नॉर्मल फ्रिक्शन mg और तीनों वर्क करेंगे, नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा, कुछ फ्रिक्शन वर्क किया होगा, कुछ mg वर्क की होगी। तो अगेन जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, 300 जूल है। तो जब ये ब्लॉक यहां से चला था, रेस्ट से चला था, u इज इक्वल टू 0, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में कहता वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन जो है वो यहां पे आपको 300 जूल दे रखा है, ठीक है? अब कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय द mg ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू 300 जूल, ठीक है? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें निकालना, वर्क डन नॉर्मल 0 हो गया, वर्क डन फ्रिक्शन चाहिए और ग्रेविटी mgh वर्क डन हो गया और दैट इज 300 जूल। भाई ग्रेविटी का वर्क डन ये यहां से नीचे आ गया ना, कितना नीचे आया? mgh ग्रेविटी का वर्क डन, ठीक है? तो ये फाइनली मुझे मिल जाएगा वर्क डन फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 300 और माइनस मास ऑफ द ब्लॉक कितना था 2 kg, जी की वैल्यू 10 हो गया, हाइट 10 हो गया और 200 हो गया, मतलब 100 जूल जो है, 100 जूल फ्रिक्शन इसमें वर्क किया होगा, ठीक है? तो दैट इज द 100 जूल इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, दैट इज सी ऑप्शन सही है, ठीक है? चलो